सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आप गूगल पे में नाम किस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, अगर गाइस न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं गूगल पे को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लाइक कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखेगा, दो तरीके सिंपल आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो टेक विथ RDP यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पर सिंपली आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। या फिर थोड़ा सा आपको नीचे भी जा सकते हो, तो नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो टेक विथ RDP था, उसकी जगह टेक्नोलॉजी यहाँ पर दूसरा अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि उस पर मेरे को वही नाम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल आपको थोड़ा सा गाइस नीचे जाना है, नीचे जाने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जैसे टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पर मैनेज गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक कर देते हो, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो हो जाते हैं। तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेम का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मेरे जैसे कुछ भी मैं आपको नाम लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम वेट कर लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ थोड़ी देर हमारे को वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो वेट कर लिया हमने, यहाँ पर आप फिर आपको नेम पर क्लिक कर लेना है, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, पेंसिल जो आइकन है उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नाम लिख लेना है। जैसे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ राहुल कुमार, ठीक है। जैसे लिख देंगे उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेव्ड हो चुका है। अब सिंपल आपको बैक जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, साइन आउट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको साइन आउट कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद यहाँ पर आपको बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपको अपना मोबाइल नंबर से वापस रजिस्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिकली OTP फ्लिप हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर कॉर्नर में आपको अपने वापस लोगो पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कितने देर में लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद लोगो पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप लोगो पर जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट करना है, यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी भी आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी देर में ये रिफ्रेश होकर जो है राहुल धाकड़ मेरा नाम दिखा देगा मेरे को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई फेक वगैरह वीडियो नहीं बना रहा हूँ, थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा, मैं थोड़ा रिफ्रेश करके आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं थोड़ा रिफ्रेश हो चुका हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा, देख सकते हो गाइस राहुल कुमार आ चुका है, ठीक है। तो गाइस आई होप मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सारा कुछ बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, पसंद है तो लाइक करना, साथ ही गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।